हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में एफसी टेक में। आज मैं आपको रिले के बारे में बताऊंगा, रिले क्या है और इसका वायरिंग कनेक्शन भी बताऊंगा। जैसे दोस्तों आप सबको पता ही होगा, रिले एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो कि एक दूसरे विद्युत सप्लाई के द्वारा खोली या बंद की जाती हैं। रिले को एक नॉर्मली इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, क्योंकि कम लोड वाली सप्लाई की सहायता से एक हैवी लोड वाली सप्लाई को बैलेंस किया जाता है, बंद या चालू किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक रिले कार्ड है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस, यहाँ 8 तक है। एक मतलब 8 चैनल की रिले कार्ड है ये, 8 रिले, सबका अलग अलग सर्किट है। प्लस 1 2 2 के लिए, 3 3 3 के लिए, 4 4 के लिए, ऐसे करके 8 तक 8 चैनल रिले, सबको नेगेटिव चॉइस वोल्ट सप्लाई का अलग अलग सर्किट है। दोस्तों ये आप दो पिने दिख रही होगी आपको, ये पिने हैं जंपर एक तरह से। जैसे क्या होता है, कई बार हम बाहर से लूप करते हैं, मगर ये जब आपके पास ये जंपर होते हैं तो आपको लूप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैंने नेगेटिव लूप कर लेता हूँ, इसका नेगेटिव जो है माइनस, ये मैंने एक रिले का लूप कर दिया। आपको जितना ज़रूरत हो उतनी रिले आप लूप कर सकते हैं। यहाँ पे 8 चैनल की है तो 8 जंपर दिए हुए हैं। आप अगर NPN पे चलाते हो तो नेगेटिव, PNP पे चलाते हो तो पॉजिटिव लिंक करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव पे ऑपरेट करवाएंगे तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिंक कर रहे हैं। ये सारे जंपर हम नेगेटिव साइड में डाल देंगे, शॉर्ट कर देंगे सारे, ये सर्किट एक तरह से। 8 रिले तो 8 जितने आप चाहो उतने, 4 चाहो तो जितने में चाहो उतने में डाल सकते हो। ये मैंने सारी रिले लगभग शॉर्ट कर दी, नेगेटिव से नेगेटिव लूप कर दिया, लूपिंग के लिए है ये जंपर। अगर आपके पास ये जंपर नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये बाहर से ही लूप कर सकते हैं। ये मैंने आटो के आटे नेगेटिव लूप कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो ये नेगेटिव से नेगेटिव आप ऐसे लूप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव ये लूप कर दिया, वापस 2 से 3 लूप कर दिया, सॉरी 4 लूप कर दिया। आप जो रिले यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप चॉइस वोल्ट DC को लूप कर सकते हैं, मगर हमने जब अंदर ये जंपर डाल दिया तो हमें लूप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम वहाँ पे लूप करके ये NO NC 1 कॉमन कॉमन 1 NO 1 NC सब रिल, 8 रिले है तो 8 रिलो के NO NC 8 होंगे, 8 NO होंगे, 8 NC होंगे और 8 ही कॉमन होंगे। अब इसमें भी वही सिस्टम है, जो वायरिंग डायग्राम वही मेथड है जो उसमें ली, हम कॉमन से कॉमन लूप कर देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ खास कर ध्यान रखनी है कि आप 220 लूप कर रहे हो या जो भी 110 लूप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको वहीं तक यूज करना जहाँ तक आप उस कार्ड को, मतलब जितने कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, जितने कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हो। यहाँ पर आप आगे और भी दूसरे यूज कर सकते हो, जैसे एक साइड में पॉजिटिव तो एक साइड में, सॉरी एक साइड में आप AC 220 कर रहे हो तो ये दूसरे कार्ड वाले हिस्से में आप 110 भी यूज कर सकते हो। बाकी बेहतर यही रहता है कि आप हर सप्लाई का अलग ही कार्ड रखें। जैसे ये हमने लिंक कर दिया, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई दे सकता हूँ इस लूप कॉमन में। ऐसे करके हम पूरा लूप कर देंगे। मेरे और भी वीडियो है रिले के ऊपर, आप देखें चाहे तो देख सकते हैं और समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ये हमने आठों के आठों कॉमन कर दिए हैं। अब मैं जो भी चाहूँ इस कॉमन में एक 220 वोल्ट या 110 एसी सप्लाई या 440 जो भी चाहूँ इसमें लूप कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हो जैसे कि मैंने एक ब्लू ग्रीन वायर लिया, ये कॉमन कर दिया, नेगेटिव दे दिया है। अब जैसे ही मैं पॉजिटिव सब में टच करता हूँ तो ये एक इसको सप्लाई मिलेगी रिले में। ये एक रिले ऑन हुई, ये स्विचिंग हो गई है। जैसे ही ये रिले ऑन हुई तो पीछे एक नंबर ऑन होते ही पीछे वाली रिले को सप्लाई मिल जाएगी, एन ओ एन सी कॉमन हो जाएंगे। एक नंबर रिले ऑन हुई, सारे प्लस में करेंगे, ये प्लस डायरेक्ट प्लस आ रहा है, 24 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है। ये दो नंबर रिले ऑन हुई, ये स्विचिंग हो गई है। अब हम जो भी चाहे पीछे कॉन्टेक्टर लगा के सप्लाई दे सकते हैं, थ्री फेज जो भी है आप। बहुत इजी है, रिले सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्विच है और कुछ नहीं है। आपको नेगेटिव कॉमन कर देना है पूरा, जैसे कि कॉन्टेक्टर आगे रिले में मैंने बताया हुआ है, मैंने अंदर से जम्पर डाल के कर दिया है। और फिर पॉजिटिव को जैसे जैसे आप टच करोगे या रिमोट लगा के कॉमन दे के करोगे तो एक तरह से ये काम करेगा। आप इस पर VFD भी ऑपरेट करवा सकते हो, पैनल कॉन्टेक्टर कुछ भी ऑपरेट करवा सकते हो, PLC भी ऑपरेट करवा सकते हो। अब मैं एक बार आपको रिले का प्रैक्टिकल बता देता हूँ। एक छोटा सा पैनल जो मैंने बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक रिले ऑन है, वो इमरजेंसी रिले है। और जैसे ही मैंने फॉरवर्ड कमांड रन किया, ये एक रिले ऑन हुई, इसी को मैंने जोर से पुश किया तो दो रिले ऑन हुई, तीन रिले ऑन हुई। एक इंटरलॉक है स्लो का, जिससे S2 ऑपरेट होता है फास्ट में। करना कुछ नहीं है, पीछे जो NONC होता है उससे डायरेक्ट VFD में कनेक्शन कर दिया, S1 S2 कॉमन। ये इंटरलॉकिंग है, बहुत इजी पैनल है एकदम, अगर हल्का सा देखते ही समझ जाएंगे आप। ये इमरजेंसी का बटन है, जैसे ही इमरजेंसी को मैंने मेन कंट्रोल एम्पियर कॉन्टेक्टर से इसको जैसे पुश करेंगे, सारी सप्लाई कट आउट हो जाएगी, थ्री फेज सप्लाई सारी कट जाएगी। जैसे ही आप देख रहे हो ऑन हो रहा है, कट रहा है। अब आप जैसे आपको वायरिंग दिखाई दे रही होगी, जैसे एक साइड में रिले के ऊपर ये VFD का S1 S2 S4 S5 ये रिले का ड्राइव का कॉमन है, जो पिंक कलर में वायर दिख रहा है। और जो येलो है ये S1 S2 S3 S4 F5 पिंक को मैंने पूरा अंदर से लूप किया है, कॉमन डायरेक्ट ड्राइव से कॉमन आ रहा है इसका पिंक, ये कॉमन। और ये ग्रीन जो है ये फॉल्ट रीसेट के लिए F5 फॉल्ट रीसेट। इसी तरह मैंने ये 3 HP के ड्राइव में करा, ऐसे कैसे मैंने 5 HP ड्राइव में भी सेम कंडीशन है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं S1 S2 ये फास्ट रिवर्स फॉरवर्ड है, S3 स्लो, S4 स्लो रिवर्स फॉरवर्ड, और ग्रीन रीसेट फॉल्ट, और कॉमन के लिए पिंक वायर है। बहुत इजी वायरिंग है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा आपको, ज़रूर देखें। ये देखिए मैंने लूप करा, ये जो है ये मेन AC सप्लाई है, जो रेड वायर दिख रहे हैं यहाँ 220 सप्लाई यूज की है मैंने, ये अप डाउन कॉन्टेक्टर के लिए है। मैन मोटर की धारक जो दिया बिना BFD के मैंने इसको ऑपरेट कराना है, उसके लिए मैंने 4 रिले अलग ही दिए।